दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। साथ में ही दीपावली का त्योहार भी है, आतिशबाजी भी जरूर होगी। महिला जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि गर्भवती महिलाएं होने वाले बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए प्रदूषण के दौरान घर से बाहर ना निकले, अगर निकले तो मुंह पर मास्क लगाकर निकले। दीपावली वाले दिन आतिशबाजी के दौरान गर्भवती महिलाओं को खुद को पटाखे के शोर से दूर रखें। इसका गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है और बच्चे को ऑक्सीजन मिलने में परेशानी हो सकती है। साथ ही पटाखों के शोर से कान में भी परेशानी हो सकती है और गर्भ में पल रहा बच्चा गर्भ में मर भी सकता है। देखिए, गर्भवती महिलाओं को इस पॉल्यूशन से प्लस दीपावली के पटाखे जो आप कह रहे हैं, इन सबसे दो नुकसान होंगे। एक तो जो वो सांस लेगी उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो बच्चे को भी अंदर पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बच्चे की सेहत पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि चूंकि पटाखों का शोर बहुत होता है, उस शोर से बच्चा सहम जाता है, कई बार अबॉर्शन हो जाता है उससे, या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को ये सलाह दूंगी मैं कि वो फेस पे मास्क बांध के रखें, जिससे धूल छन के अंदर सही हवा जा सके, बाहर न निकलें जहाँ धुआं है ज़्यादा और जहाँ शोर है ज़्यादा, वहाँ पर भी न निकलें, वो अंदर रहें।